नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज का डिफेंस समाचारों को, बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों अमेरिका की तरफ से भारत को फाइनल लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजा गया है जो कि 31 MQ-9B आर्म ड्रोन्स के लिए है। दरअसल ये जो फाइनल लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजा गया है वो नेगोशिएटेड प्राइस के साथ है और भारतीय नौसेना अब इस ऑफर का अध्ययन कर रही है जिसे जल्द ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास भेजा जाएगा अप्रूवल के लिए। इसे आप दोस्तों इस तरीके से समझ सकते हैं कि भारत के लिए अमेरिका की तरफ से एक चिट्ठी आई है और इस चिट्ठी का जवाब अब भारत को देना है। और आप सब जानते हैं कि भारत को 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स खरीदने हैं, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी महंगे भी हैं क्योंकि दोस्तों ये केवल ड्रोन ही नहीं बल्कि ये ड्रोन का एक पैकेज आएगा जिसमें कि इनमें हथियारों का पैकेज, इसके अलावा इसमें एडवांस सेंसर्स और साथ ही साथ इनका रखरखाव भी शामिल है। इससे भारत की आर्म फोर्सेस की ताकत जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी और इसका फायदा तीनों सेनाओं को ही मिलेगा। और दोस्तों चीन और पाकिस्तान के साथ भारत की लगातार टेंशन चल रही है, ऐसे में ये जो ड्रोन है वो भारत की क्षमता को न केवल यहाँ पर बढ़ाएंगे बल्कि भारत को रणनीतिक रूप से भी एक बड़ी बढ़त देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ 2890 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जो कि भारतीय नौसेना के 25 डोनियर एयरक्राफ्ट के मिड लाइफ अपग्रेड को लेकर है। बता दें कि इन अपग्रेड में स्टेट ऑफ द आर्ट एवियोनिक सिस्टम और प्राइमरी रोल सेंसर लगाए जाएंगे जो कि इन एयरक्राफ्ट की क्षमताओं को बढ़ाएगा, खास करके मैरिटाइम और कोस्टल सर्विलांस में, जिससे कि भारतीय नौसेना की जो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस वो बढ़ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हाल ही में भारत ने अपने AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए हरी झंडी दे दी है, लेकिन दोस्तों इससे कहीं ना कहीं रशिया को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि रशिया अभी तक भारत को अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स की पेशकश कर चुका है जिसमें कि SU-75 चेकमेट तक का भी ऑफर वो भारत को दे चुका था, लेकिन भारत ने रशिया के इस बात का कोई जवाब नहीं दिया जो कि भारत की रशिया पर जो घटती हुई निर्भरता है उसकी ओर इशारा करती है। क्योंकि AMCA परियोजना दोस्तों भारत के लिए अपना खुद का रास्ता तय करेगी। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट में भारी निवेश करके भारत का लक्ष्य अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के साथ साथ विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर अपनी निर्भरता को कम करना है। AMCA की कल्पना एक बहुमुखी मंच के रूप में भी की गई है जो कि एडवांस एवियोनिक्स, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और बेहतर मारक क्षमता से लैस होगा। ये भारतीय वायुसेना की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है और AMCA परियोजना में भारत का आगे बढ़ने का जो निर्णय है वो भारत की महत्वपूर्ण रणनीति है जिससे कि भारत न केवल अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा बल्कि वैश्विक मंच पर भी अपनी संप्रभुता का दावा कर सकता है। इसके अलावा AMCA का विकास रक्षा सहयोग के लिए एक विश्वसनीय भागीदारी के रूप में भारत की विश्वसनीयता को भी बढ़ाता है जिससे एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ सहयोग के रास्ते भी खुलेंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों DRDO अब जल्द ही एक नए एडवांस रडार का परीक्षण करने वाला है और ये रडार काफी बड़ा होगा जिसका वजन 30 टन का होगा और इसके एंटीने का आकार 10 मीटर बाई 6 मीटर का होगा। ये रडार ट्रांसपोर्टेबल होगा और जिस वाहन पर यह बड़ा रडार स्थापित किया जाएगा उस वाहन की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगी जो कि 60 टन तक का भार ले जाने में सक्षम होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों बोइंग की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत को 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स डिलीवर किए जाएंगे जो कि भारतीय सेना के लिए होंगे और इन हेलीकॉप्टरों को जोधपुर के रेगिस्तान में तैनात किया जाएगा और भारतीय सेना के अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों का यह पहला स्क्वाडन होगा जिसके बारे में मैंने आपको कल डिफेंस अपडेट में भी बताया था। दरअसल जोधपुर में इनकी तैनाती काफ़ी रणनीतिक महत्व रखती है क्योंकि पाकिस्तान से यहाँ की दूरी महज 483 किलोमीटर है। ऐसे में ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। ये राजस्थान का वो इलाका है जहाँ पर आर्मी की मौजूदगी के साथ एयरफोर्स का भी बेस है। आपको बता दें कि भारतीय सेना का जो हेलीकॉप्टर है उसका रंग कैमोफ्लाज किया गया है। ऐसे में जब दुनिया का ये सबसे शक्तिशाली हेलीकॉप्टर अपने लड़ाकू मिशन को अंजाम देने के लिए निकलेगा तो उसका रेगिस्तानी मिट्टी से मैच हो जाएगा जिससे कि दुश्मन को उसकी भनक तक नहीं लग पाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों कुछ रिपोर्ट सामने आई है कि DRDO ने हाल ही में 11 मार्च को स्वदेशी रूप से तैयार की गई 350 किलोमीटर रेंज वाली अस्त्र Mark 3 मिसाइल का परीक्षण किया है और ये चुपचाप किया गया मेड इन टेस्ट है। क्योंकि दोस्तों आपको मैं बता दूं कि 11 मार्च को 320 किलोमीटर रेंज का नोटम वार्निंग जारी किया गया था और इस दौरान ये टेस्ट किया गया। बाकी इसके बारे में और क्या अपडेट आता है वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बता दूंगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत ने एक बार फिर से नोटम वार्निंग जारी की है 26 और 28 मार्च के बीच में, जिसका डेजिग्नेटेड एरिया है 380 किलोमीटर का और हो सकता है कि इस दौरान लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों चेन्नई आधारित एक थिंक टैंक ने एक बड़ी खबर दिया। उन्होंने कहा कि भारत अभी मर्फ वॉरहेड्स के साथ और भी कई परीक्षण करने वाला है
ताकि भारत 12,000 किलोमीटर रेंज वाली जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे कि सूर्य मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है, उसे तैयार करेगा। और ये जो सूर्य ICBM है, ये चाइना को देखते हुए भारत का एक टैक्टिकल हथियार होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, भारतीय वायुसेना को दूसरा C-295 एयरक्राफ्ट मिलने वाला है, क्योंकि ये अब स्पेन में अपनी फाइनल असेंबली स्टेज पर पहुंच चुका है और मई 2024 में ये भारत आ जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, IIT जोधपुर ने एक 3D प्रिंटेड प्रोटोटाइप का अनावरण किया है, जो कि हाइब्रिड अनमैन एरियल अंडर वाटर व्हीकल के लिए है, जो कि जमीन, हवा और पानी में ऑपरेट हो सकता है। ये प्रोटोटाइप कॉलेटर कॉन्फिग्रेशन के साथ है और ये 6 मैनवर्स कर सकता है। बता दें कि अभी इसका जो फ्लाइंग टाइम है वो 15 मिनट का है और ये पानी के अंदर 8 घंटों तक रह सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, DRDO ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है। आंखों के लिए सुरक्षित लेजर रेंज फाइंडिंग के साथ लेजर बीम गाइडेंस सिस्टम को विकसित करने के लिए, जो कि मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। बता दें कि इस प्रणाली का उद्देश्य मिसाइलों को सटीक लाइन ऑफ विजन लेजर गाइडेंस प्रदान करना है, जिससे कि विभिन्न ऑपरेशनल सिनेरियोज में उनकी सटीकता और प्रभावशीलता में वृद्धि होगी। लेजर बीम राइडर गाइडेंस सिस्टम मिसाइल गाइडेंस के लिए एक सोफिस्टिकेटेड अप्रोच प्रदान करता है, जो कि मिसाइल को बीम के सापेक्ष अपनी स्थिति निर्धारित करने में, इच्छित लक्ष्य और नेविगेट करने में आवश्यक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए इनकोडेड लेजर बीम का उपयोग करता है। और ये नई टेक्नोलॉजी कम दूरी की वायु रक्षा और टैंक रोधी प्रणालियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। आपको बता दें कि ये जो LBRG सिस्टम होगा, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ये धुआं, कोहरा, बारिश और धूल जैसे जो पर्यावरणीय कारक हैं उसके प्रति फ्लेक्सिबल रहेगा। इसके अलावा ये जो LBRG सिस्टम है वो कम लेजर आउटपुट पावर के साथ ऑपरेट होगा, जिससे कि इसका एक कॉम्पैक्ट डिजाइन और काउंटर मेजर्स के लिए प्रतिरोध बढ़ जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने एक नया चैलेंज पेश किया है IDEX इनिशिएटिव के तहत भारतीय स्टार्टअप्स के लिए, जिसके तहत उन्हें एक प्रोटोटाइप बनाना है जो कि नेक्स्ट जनरेशन अंडर वाटर व्हीकल का होगा, जो कि 45 दिनों तक पानी के अंदर रहने में सक्षम होना चाहिए। साथ ही इसके कई फीचर्स होंगे, जैसे कि इसमें एडवांस मिशन कंट्रोल सॉफ्टवेयर, एडवांस सेंसर इंटीग्रेशन और एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। साथ ही ये ऑटोनॉमसली सरफेस ऑपरेशन करने में सक्षम होने चाहिए और डेटा प्रोसेस करने में भी सक्षम होने चाहिए। इससे भारतीय नौसेना की जो पानी के नीचे की सर्विलांस क्षमता है और डेटा कलेक्शन की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, ब्रिटेन ने इस हफ्ते एक लेजर हथियार का सफल परीक्षण किया है। ब्रिटेन की तरफ से कहा गया है कि उनकी सेना इस हथियार की मदद से मात्र $13 में किसी भी खतरनाक मिसाइल और जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट हैं उन्हें खत्म कर सकती है, जिससे कि ब्रिटिश सेना को करोड़ों डॉलर की बचत होगी। और कहा जा रहा है कि ये तकनीक आने वाले समय में S-400 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की छुट्टी कर देगी। बाकायदा ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो जारी किया गया, इसका नाम ड्रैगन फायर लेजर वेपन सिस्टम रखा गया है, जिसने कि सफलतापूर्वक एक हवाई लक्ष्य को तबाह कर दिया। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि रात के समय स्काई ड्रैगन वेपन ने एक चमकदार लेजर बीम को वो छोड़ता है, जिससे कि वो टारगेट को नष्ट कर देता है। लेजर वेपन सिक्के जैसे छोटी सी चीज को भी बहुत दूर से तबाह कर सकता है। ब्रिटेन ने कहा कि इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें खर्चा कम आता है। जहां एयर डिफेंस सिस्टम्स को हर जवाबी हमले के लिए $20,00,000 वाली मिसाइल दागनी पड़ती है, तो वहीं ये लेजर वेपन मात्र $13 में वो काम कर देगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां भारत ने Agni-5 मिसाइल का सफलतापूर्वक टेस्ट किया, तो दूसरी तरफ भारत ने LAC पर 10,000 नए सैनिकों को तैनात कर दिया। चाइना दोस्तों इन सबसे इतना भड़क गया कि अब वो भारत को अपनी ताकत दिखा रहा है। साथ ही दोस्तों, चाइना ने विवादित सीमा के पास हाल ही में लाइव फायर अभ्यास किया है, जिससे कि दोनों देशों के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। चीन की मीडिया की तरफ से कहा गया है कि एक महिला मिसाइल प्लाटून ने काराकोरम पठार पर उच्च ऊंचाई पर एक सबसोनिक लक्ष्य विमान के खिलाफ सफलतापूर्वक मिसाइल लॉन्च किया। अब ऐसे में दोस्तों भारत ने भी तैयारियां पूरी कर रखी हैं, जंग का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन यहां पर तैयारी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं कि हमें किस तरीके से ऐसी आपात स्थिति से निपटना है, और भारतीय सेना इसके लिए काफ़ी माहिर मानी जाती है। वहीं चाइना के सैनिकों को तो दिक्कतें आ रही हैं, ना तो वो हाई एल्टीट्यूड पर लड़ाई लड़ सकते हैं, इसलिए चाइना टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, इसरो अब रॉकेट प्रपल्सन के भविष्य की दिशा में एक साहसिक कदम उठा रहा है, जिसमें कि हाइब्रिड और इलेक्ट्रॉनिक प्रपल्सन प्रणालियां विकसित की जाएंगी, जिसके लिए HAL और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के साथ एक सहयोगात्मक प्रयास की घोषणा की गई है।
और ये जो त्रिपक्षीय पहल है वो अंतरिक्ष क्षेत्र में इनोवेशन और आत्मनिर्भरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। दोस्तों ये कदम तब सामने आया है जब इसरो ने 30 किलो न्यूटन हाइब्रिड रॉकेट मोटर के सफल परीक्षण किए थे। हाइब्रिड रॉकेट ठोस ईंधन को तरल ऑक्सीडाइजर के साथ जोड़ते हैं जो हमारे पारंपरिक प्रपल्शन प्रणालियां हैं उनकी तुलना में कई फायदे प्रदान करते हैं, जैसे कि बड़ी हुई दक्षता मिलती है क्योंकि हाइब्रिड इंजन ठोस रॉकेट मोटर्स की तुलना में उच्च दक्षता का दावा करते हैं जिससे संभावित रूप से पेलोड क्षमता में वृद्धि होती है और लॉन्च लागत कम आती है। इसके अलावा इन्हांस कंट्रोल इन पर होगा जिससे कि उड़ान के दौरान थ्रस्ट थ्रॉटलिंग और आसान गतिशीलता की अनुमति मिलती है और बेहतर सुरक्षा मिलेगी क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम ईंधन और ऑक्सीडाइजर के फिजिकल सेपरेशन के कारण एक सुरक्षा लाभ मिलता है जिससे कि आकस्मिक जो विस्फोट का खतरा होता है वो कम हो जाता है। अब इस तरीके का जो सहयोगात्मक प्रयास है इन तीनों के बीच वो अंतरिक्ष संबंधी महत्वाकांक्षाओं में बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हाल ही में सिपरी की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें ये कहा गया था कि भारत ने रशिया पर अपने हथियारों की निर्भरता कम कर दी है। ऐसे में रूस के राजदूत ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि भारत के रूस से हथियार आयात में गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि 40 साल बाद ऐसा हुआ है कि भारत के हथियार आयात में रूस की हिस्सेदारी 50% के नीचे आ गई है। उन्होंने कहा कि सिपरी के द्वारा जो आंकड़ा दिया गया है उसे वो तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश कर रहा है। बात वो नहीं है, बात यह है कि भारत खुद का अपना डिफेंस सेक्टर विकसित कर रहा है, भारत मेक इन इंडिया के तहत सैन्य टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहा है और आत्मनिर्भर भारत के मिशन पर भारत चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया के साथ भारत की कोई भी दोस्ती में कमी आई है या फिर हथियारों की एक्सपोर्ट में गिरावट आई है। रूस के राजदूत ने कहा कि भारत ने लाइसेंस के तहत 1000 T-90 टैंक और 300 सुखोई 30 MKI विमान बनाए। इसके अलावा दोनों ही देश जॉइंट वेंचर और बिजनेस पार्टनरशिप पर भी जोर दे रहे हैं। ब्रह्मोस सबसे अच्छा उदाहरण है इस चीज़ का। यही नहीं, AK-203 असॉल्ट राइफलों को बनाने को लेकर भी उन्होंने कहा कि इस पर काम चल रहा है। रूस और भारत तीसरे देश के बाजार के साथ भी उतरने के लिए तैयार हैं। तो फिलहाल दोस्तों ये था अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।